नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से विनय कोचिंग पलसाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो से हम बात कर रहे हैं राजस्थान में शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन की, और ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले बात की थी जल विद्युत ऊर्जा की। और जल विद्युत ऊर्जा में हमने जब संयुक्त की बात की थी तो संयुक्त में अंतिम बताया था आपको टिहरी परियोजना। कौन सी परियोजना बताई थी? टिहरी परियोजना। और टिहरी परियोजना में राजस्थान का आपको हिस्सा बताया था 9.59। कितना बताया था? 9.59। लेकिन दोस्तों 9.59 न होकर वर्तमान में कितना है? 7.50% है। कितना है? 7.50% है। तो इसके 9.59 की जगह 7.50 नोट्स में लिख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों तापीय ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं? तापीय ऊर्जा की। तो देखो सुने, परंपरागत स्रोत में किसकी बात करते हैं? तापीय ऊर्जा की। परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन में नंबर एक बात की थी जल विद्युत ऊर्जा की, और आज अपन बात करते हैं तापीय ऊर्जा की। तापीय ऊर्जा बोल सकते हैं दोस्तों इसे, या इसे कोयला आधारित या इसे दोस्तों लिग्नाइट आधारित भी बोल सकते हैं। लिग्नाइट आधारित ऊर्जा, ठीक है, तापीय ऊर्जा या कोयला आधारित या लिग्नाइट ऊर्जा आधारित। तो जो तापीय ऊर्जा है, तो दोस्तों जो तापीय ऊर्जा को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक, राजस्थान की स्वयं की तापीय परियोजनाएं, और नंबर दो, संयुक्त तापीय परियोजनाएं। कौन सी आती है? नंबर दो, संयुक्त तापीय परियोजनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की स्वयं की तापीय ऊर्जा कौन कौन सी है। तो देखो, जो स्वयं की तो तापीय ऊर्जा है, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पुनः इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों, वो है नंबर एक क्रिटिकल, और नंबर दो आता है नॉन क्रिटिकल, ठीक है। नंबर एक क्रिटिकल और नंबर दो नॉन क्रिटिकल। अब बात करते हैं कि क्रिटिकल क्या है और नॉन क्रिटिकल क्या है। तो क्रिटिकल वो होता है कि वे परियोजनाएं जिनकी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से क्या हो? अधिक हो। क्रिटिकल का मतलब वे परियोजनाएं जिनकी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या हो? 500 मेगावाट से अधिक हो, वो क्या कहलाती हैं? क्रिटिकल या क्रिटिकल में सम्मिलित होती हैं। जबकि जो नॉन क्रिटिकल की बात की जाए तो वे परियोजनाएं जिनकी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता वे परियोजनाएं जिनकी किसी भी इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक ना हो, अर्थात 500 मेगावाट से क्या हो? कम हो, वो क्या कहलाती है? नॉन क्रिटिकल। तो देखो, तापीय ऊर्जा की बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत में तापीय ऊर्जा या कोयला आधारित या लिग्नाइट आधारित। तो इस तापीय ऊर्जा को वापस पुनः राजस्थान की स्वयं की तापीय ऊर्जा और संयुक्त तापीय ऊर्जा। जो राजस्थान की स्वयं की तापीय ऊर्जा है, इसको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, क्रिटिकल व नॉन क्रिटिकल। जो क्रिटिकल है वो क्या होती हैं? तो वे परियोजनाएं जिनकी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो? 500 मेगावाट से अधिक हो, वो तो क्या कहलाती हैं? क्रिटिकल।
जबकि नॉन क्रिटिकल में वे परियोजनाएं जिनकी किसी भी इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक ना हो वो क्या कहलाती हैं? नॉन क्रिटिकल। क्या कहलाती हैं? नॉन क्रिटिकल। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले किसकी? क्रिटिकल की। तो राजस्थान में क्रिटिकल की बात की जाए तो क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजनाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर एक आता है दोस्तों सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर। नंबर एक सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये किस में सम्मिलित होता है? क्रिटिकल में। उसके बाद में नंबर दो छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो 12 में है। नंबर 3 कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। नंबर 4 झालावाड़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और नंबर 5 बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये किसमें सम्मिलित होते हैं? क्रिटिकल में। किसमें सम्मिलित होते हैं? तो क्रिटिकल। तो क्रिटिकल तापीय ऊर्जा की बात की जाए तो राजस्थान में कितने प्रोजेक्ट हैं? 5 प्रोजेक्ट हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। तो देखो इसमें कितनी इकाई हैं और उनकी कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो जो दोस्तों सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसकी बात की जाए तो इस पर वर्तमान में कुल इकाई है 10। कुल इकाई कितनी है? 10 इकाई। इकाइयों की संख्या कितनी है? 10 इकाई है। अब बात करते हैं कि जो 10 इकाई है इन 10 इकाई में से जो 6 इकाइयां हैं इनसे विद्युत उत्पादन होता है 250 मेगावाट। तो 250 मेगावाट की इस पर कितनी इकाइयां हैं? 6 इकाइयां हैं। कितनी है? 6 इकाइयां। जबकि 660 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं? 4 इकाइयां। 660 मेगावाट की तो कितनी है? 4 इकाइयां। जबकि 250 मेगावाट की इकाइयां कितनी है? 6 इकाइयां हैं। तो 250 और 6 1500 मेगावाट। कितना हो जाएगा? 1500 मेगावाट। और ये हो जाएगा 2640 मेगावाट। तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर कुल इकाइयां हैं 10, जिनमें 6 इकाइयां हैं 250 मेगावाट की और 4 इकाइयां हैं 660 मेगावाट की। तो 6 इकाइयों से 1500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जबकि 660 की कितनी है? 4 इकाइयां। तो इनसे कितना होता है? 2640। और यह राजस्थान का क्या था? प्रथम। यह राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर। तो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर तो आंसर सूरतगढ़। कौन सा आता है? सूरतगढ़। उसके बाद में बात करते हैं नंबर दो छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सा आता है? छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आता है। और इस पर कुल इकाइयां हैं दोस्तों 6। कुल इकाई तो वो हैं कितनी है? 6 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 6 इकाइयां हैं। जो ये 6 इकाइयां हैं इनमें से 250 मेगावाट की बात की जाए तो कितनी इकाई हैं? 4 इकाइयां हैं। 250 मेगावाट की कितनी इकाई हैं? 4 हैं। जबकि 660 की बात की जाए तो 660 की इकाइयां हैं 2। कितनी है? 2 इकाइयां हैं। तो कुल विद्युत उत्पादन देखो कितना हो जाएगा? 1320 मेगावाट। कितना हो गया? 1320 और 1000। छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये है 12 जिले में। किस जिले में है? 12 जिले में। और कुल इकाइयां कितनी है? 6 इकाइयां हैं, जिनमें से 4 इकाइयां हैं वो तो हैं 250 मेगावाट या 250 मेगावाट की, जिनकी उत्पादन क्षमता जहाँ 1000, जबकि 660 मेगावाट की कितनी इकाइयां हैं? 2 इकाइयां हैं। तो इनसे विद्युत उत्पादन 1320 मेगावाट। आगे बात करते हैं सूरतगढ़ व छबड़ा। उसके बाद में अगला जो आता है वो है कालीसिंध। कालीसिंध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट।
नंबर तीन काली सिंध, काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये है दोस्तों झालावाड़ जिले में स्थापित है। किस जिले में है? झालावाड़ जिले में स्थापित है। कहाँ है? काली सिंध झालावाड़ में। और इस पर कुल जो इकाइयाँ हैं वो हैं 10, कुल इकाइयाँ हैं 4। कितनी है इस पर कुल इकाइयाँ? कितनी है? 4। 600 मेगावाट की बात की जाए तो 600 मेगावाट की हैं इकाइयाँ 2। कितनी है? 600 मेगावाट की कितनी है? 2। जबकि 2 इकाइयां हैं 250 मेगावाट की। कितनी है? 250 मेगावाट की। तो इससे विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो 1200 मेगावाट और 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन की काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट झालावाड़ में है। कुल इकाइयाँ कितनी हैं? 4 हैं। 2 इकाइयाँ 600 मेगावाट की हैं, जबकि जो 2 इकाइयाँ वो कितनी की हैं? 250 मेगावाट की हैं। तो 2 इकाइयों से 600 से 1200 मेगावाट, जबकि 2 इकाइयाँ जो 250 की हैं उनसे कितनी मेगावाट उत्पन्न होती है विद्युत? 500 मेगावाट। आगे बात करते हैं झालावाड़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सा आता है? झालावाड़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यह है दोस्तों किस जिले में? तो झालावाड़ जिले में स्थापित है। किस जिले में स्थापित है? झालावाड़ जिले में। और इस पर कुल इकाइयां हैं तो कुल इकाई की बात की जाए तो कुल इकाई हैं 2, और इन 2 की बात की जाए तो प्रत्येक से उत्पादन है 600 मेगावाट। एक इकाई 600, तो 2 इकाइयों से कितना हो जाएगा? 1200 मेगावाट। इससे विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट। उसके बाद में एक रह गया, कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा रह गया? अंतिम बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है किस जिले में? तो बांसवाड़ा में। किस जिले में है दोस्तों? बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर बांसवाड़ा जिले में है। और इस पर कुल इकाइयां हैं 3। कितनी हैं? कुल इकाई तीन है। कुल इकाइयों की बात की जाए तो कितनी है? 3 है। 660 की बात की जाए तो 2 इकाइयां हैं 660 की। कितनी हैं? 660 की हैं, जबकि एक इकाई है दोस्तों 500 मेगावाट की है। कितनी है? 500। तो 1320 और 500 मेगावाट, ये है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता। तो जो क्रिटिकल थी, क्रिटिकल की संख्या है राजस्थान में दोस्तों कितनी है? 5। पहला कौन सा बताया? सूरतगढ़ सब सुपर थर्मल पावर, जिस पर कुल इकाइयाँ कितनी हैं? 10 हैं। जबकि नंबर 2 बताया आपको छबड़ा सुपर थर्मल पावर, उस पर ये है 12 में और इस पर इकाई हैं 6। उसके बाद में आता है काली सिंध, तो काली सिंध कहाँ है? झालावाड़ में, और इस पर कुल इकाइयाँ कितनी हैं? 4। उसके बाद में बात करते हैं झालावाड़ सुपर थर्मल पावर की, तो ये कहाँ है? झालावाड़ में। कुल इकाई कितनी है? 2। और बांसवाड़ा सुपर थर्मल पावर बांसवाड़ा में, और कुल इकाई कितनी है? 3 इकाइयाँ हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों नॉन क्रिटिकल की। किसकी बात करते हैं? नॉन क्रिटिकल की। नॉन क्रिटिकल तो नॉन क्रिटिकल क्रिटिकल का मतलब क्या होता है कि वे परियोजनाएं जिनकी किसी भी इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से क्या ना हो, अधिक ना हो, वो किस में शामिल होते हैं? नॉन क्रिटिकल में। और नॉन क्रिटिकल में बात की जाए तो सबसे पहले लेते हैं कोटा थर्मल पावर, कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कहाँ दोस्तों? कोटा में। और कुल इकाई की बात की जाए इस पर कार्यरत इकाई, तो वो है दोस्तों कितनी है? 7। कोटा थर्मल पावर जो नॉन क्रिटिकल में शामिल है, किस जिले में है? कोटा में। और कुल इकाई की बात की जाए तो कितनी है? 7 इकाई की है। तो जो 2 इकाइयां हैं इनकी क्षमता है 100 मेगावाट, एक इकाई की कितनी है? 100 मेगावाट। तो 2 इकाइयों की कितनी हो जाएगी? 200 मेगावाट। कितनी उत्पादन क्षमता हो जाएगी? 200 मेगावाट। उसके बाद में 2 इकाइयां हैं वो हैं 210 मेगावाट की। कितनी है? 210 मेगावाट की।
तो ये हो जाएगा 420 मेगावाट। कितना हो जाएगा? 420 मेगावाट। उसके बाद में 210 की है एक इकाई और, तो कितना हो जाएगा? 210 मेगावाट। ठीक है, कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट कोटा में है, कुल इकाई कितनी है? 7 है इस पर, जिनमें से 2 इकाई की उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट, 200, फिर 2 इकाइयों की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 210 मेगावाट है, तो 420 मेगावाट, फिर एक इकाई की 210 है तो कितनी हो जाएगी? 210, फिर 195 की कितनी है दोस्तों? दो और हैं, एक 195 और एक 195, तो 195 मेगावाट और 195 मेगावाट, तो ये है इसकी क्या? विद्युत उत्पादन क्षमता। कितनी इकाई बताई? 7 इकाई बताई, तो 2 इकाई 100 मेगावाट की, 2 इकाई 210 मेगावाट की, 1 इकाई 210 की, फिर 1 इकाई 195 की और 1 इकाई 195 की, तो इस तरह कितने हैं? 7 इकाइयां हैं कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अंतर्गत। उसके बाद में बात करते हैं गिरल थर्मल पावर की। किसकी बात करते हैं? गिरल थर्मल पावर की। गिरल थर्मल पावर की बात करते हैं, तो ये है दोस्तों बाड़मेर। किस जिले में है जो गिरल थर्मल पावर है? यह है किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। और इस पर इकाई कितनी है? 2 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं इस पर? कुल इकाई की बात की जाए, कुल इकाई, तो इकाई की संख्या है 2 और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 125 मेगावाट। कितनी है? 125, एक इकाई की 125 मेगावाट और दूसरी जो एक इकाई उसकी भी कितनी है? 125 मेगावाट। तो ये था कौन सा? गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद में बात करते हैं भाद्रेस थर्मल पावर की। किसकी बात करते हैं? भाद्रेस थर्मल पावर, भाद्रेस थर्मल पावर, ये भी दोस्तों कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। जो भाद्रेस थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ है? बाड़मेर में। और इसकी बात की जाए पर इस पर कुल इकाइयाँ कितनी हैं, तो दोस्तों इस पर इकाइयाँ हैं 8। कितनी इकाइयाँ हैं? 8 और एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता है 125। कितनी है? 125, तो 125 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 125 इंटू 8 तो 1000। तो विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 1000 मेगावाट। तो ये है नॉन क्रिटिकल में। तो पहला कौन सा पढ़ा? कोटा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कितनी इकाइयाँ हैं? 7 इकाइयाँ हैं। उसके बाद में गिरल थर्मल पावर, ये कहाँ है? बाड़मेर में। कितनी इकाइयाँ हैं? 2 इकाइयाँ हैं। भाद्रेस थर्मल पावर, ये कहाँ है? बाड़मेर में। और इकाइयों की बात की जाए तो कितनी इकाइयाँ हैं? 8 इकाइयाँ हैं। अगला जो दोस्तों आता है उसके बाद में कपूरड़ी जालीपा। कपूरड़ी जालीपा थर्मल पावर, अगला कौन सा है? कपूरड़ी जालीपा थर्मल पावर, ये कहाँ है? बाड़मेर में। और इस पर कुल इकाइयाँ कितनी है दोस्तों? 4। कहाँ है? बाड़मेर में। कुल इकाइयाँ, तो दोस्तों इस पर कुल इकाई कितनी है? 4 है। कपूरड़ी जालीपा जो थर्मल पावर है ये किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। और कुल इकाइयाँ कितनी है इस पर? 4 हैं। और जिनकी विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो 2 इकाइयों की कितनी है? 210। कितनी है? 210 है। बाकी 2 इकाइयों की बात की जाए तो कितनी है? 320 है। 420 मेगावाट और 640 मेगावाट, ये है इसे विद्युत उत्पादन। तो कुल कितना हो गया? 1060 मेगावाट। किसे? कपूरड़ी जालीपा सुपर थर्मल पावर बाड़मेर में। कुल इकाइयां 4 हैं, 2 इकाइयों हैं जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट, जबकि 2 इकाइयों की है 320 मेगावाट। तो कुल कितनी हो जाएगी? 1060 मेगावाट कपूरड़ी जालीपा थर्मल पावर से। उसके बाद में जो पाँचवा आता है वो आता है नेवली। कौन सा आता है? नेवली, नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट।
कौन सा है दोस्तों? नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसकी बात की जाए तो ये है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। और इस पर कुल इकाइयों की बात की जाए, कुल इकाई तो इस पर है दोस्तों चार। कितनी इकाइयाँ हैं? चार इकाइयाँ हैं। नेवली थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये है बीकानेर में, और कुल इकाइयाँ कितनी हैं? चार इकाइयाँ हैं। कितनी हैं? चार इकाइयाँ, जो बीकानेर पलाना बीकानेर पलाना बरसिंहपुर और वीटनोड, यहाँ पर क्या हैं? ये इकाइयाँ हैं नेवली थर्मल पावर की। उसके बाद में अंतिम रह गया हमारा, वो आता है गुड्डा थर्मल पावर। कौन सा आता है? गुड्डा थर्मल पावर। गुड्डा थर्मल पावर बीकानेर, एक इकाई है जिस पर गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में। इकाई की बात की जाए, कुल इकाई तो इस पर है एक इकाई। कितनी है? एक इकाई। विद्युत उत्पादन क्षमता तो वो है दोस्तों 125 मेगावाट। कितनी है? 125 मेगावाट। तो ये क्या थे दोस्तों? नॉन क्रिटिकल। उसके बाद में अगर आगे बात करते हैं तो एक और आता है दानपुर। कौन सा आता है? दानपुर थर्मल पावर। दानपुर थर्मल पावर कौन सा आता है? दानपुर थर्मल पावर। जो दानपुर थर्मल पावर है दोस्तों, यह है बांसवाड़ा में। किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है दानपुर थर्मल पावर। बांसवाड़ा जिले में है, और इस पर दो इकाइयां हैं दोस्तों, एक निजी क्षेत्र की और एक सार्वजनिक। एक निजी क्षेत्र में है जबकि दूसरी कहाँ है? सार्वजनिक क्षेत्र में। और दोनों से विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो दोनों से 330 मेगावाट, और इससे भी कितनी होती है? 330 मेगावाट। तो कुल कितनी मेगावाट? 660 मेगावाट किसका उत्पादन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। आगे बात की जाए तो एक रह गया हमारा कवई। कौन सा रह गया? कवई, कवई थर्मल पावर। थर्मल पावर, जो कवई थर्मल पावर है दोस्तों, कवई थर्मल पावर की बात की जाए तो यह है बारा में। कहाँ है? बारा जिले में। और इस पर कुल इकाइयाँ हैं, कुल इकाई तो वो है दोस्तों चार। कितनी है? चार। और विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो प्रत्येक इकाई की बात की जाए तो एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 330। कितनी है? 330। तो चार की कितनी हो जाएगी? 1320 मेगावाट। कितनी हो जाएगी? 1320 मेगावाट। तो ये तो क्या थे? क्रिटिकल व नॉन क्रिटिकल। अब आगे बात करते हैं जो राज्य की क्या थी? स्वयं की। अब बात करते हैं राज्य की संयुक्त तापीय परियोजनाएं, तो वो कौन कौन से? देखो, राज्य की संयुक्त तापीय परियोजनाएं, राज्य की संयुक्त तापीय परियोजनाएं, तो पहली आती है सिंगरौली, नंबर एक। नंबर दो, संयुक्त तापीय परियोजनाएं। इसमें नंबर एक आती है सिंगरौली। सिंगरौली कौन सी आती है? सिंगरौली तापीय विद्युत परियोजना या सिंगरौली थर्मल पावर। थर्मल पावर, सिंगरौली थर्मल पावर की बात की जाए दोस्तों तो यह है राजस्थान व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किन किन की है? राजस्थान व उत्तर प्रदेश की। कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता तो वो है दोस्तों 2000 मेगावाट।
कितनी है इसे 2000 मेगावाट। सिंगरौली थर्मल पावर राजस्थान व उत्तर प्रदेश का क्या संयुक्त है, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है 200 मेगावाट है 2000 से, और जिसमें से राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का हिस्सा है 15%। कितना है 15%, तो 2000 का 15% किसको मिलता है, राजस्थान को विद्युत मिलती है। उसके बाद में सिंगरौली के बाद में अगला जो आता है वो आता है रिहंद, रिहंद थर्मल पावर। कौन सा आता है, रिहंद थर्मल पावर, और रिहंद थर्मल पावर भी राजस्थान व उत्तर प्रदेश दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व उत्तर प्रदेश दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना है। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता तो वो है दोस्तों 1000 मेगावाट। कितनी है 1000 मेगावाट, और इस 1000 मेगावाट में से राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को मिलती है 9.5, राजस्थान को 9.5%। तो संयुक्त तापीय ऊर्जा परियोजनाओं में नंबर एक बड़ा सिंगरौली थर्मल पावर, जो राजस्थान व उत्तर प्रदेश की, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2000 मेगावाट, राजस्थान का हिस्सा है 15%। उसके बाद में बात करते हैं रिहंद की, तो रिहंद राजस्थान व उत्तर प्रदेश, कुल विद्युत उत्पादन 1000 मेगावाट, और राजस्थान का हिस्सा है वो कितना है 9.5%। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो अगली जो आती है वो आती है ओरिया, ओरिया थर्मल पावर, ये भी राजस्थान व उत्तर प्रदेश की, राजस्थान व उत्तर प्रदेश दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना। ओरिया जो थर्मल पावर है ये राजस्थान व उत्तर प्रदेश दोनों की क्या है, संयुक्त है, और इसमें बात की जाए तो कुल विद्युत उत्पादन है वो है लगभग 663, कुल विद्युत उत्पादन कितना है 663 मेगावाट है, कितना है 663, और इसमें से जो राजस्थान का हिस्सा है वो है दोस्तों 9.2%, 9.2% किसका हिस्सा है राजस्थान का। ओरिया थर्मल पावर राजस्थान व उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त है, कुल विद्युत उत्पादन की 663 मेगावाट, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 9.2% है। इसके बाद में जो अगली आती है तो ओरिया के बाद में वो रहेगी हमारी दादरी, कौन सी रहेगी दादरी, दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यह भी दोस्तों राजस्थान व उत्तर प्रदेश की दोनों की क्या है, संयुक्त परियोजना। जो दादरी है वो राजस्थान व उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है, और इसमें से जो राजस्थान का हिस्सा है वो है 9.28%, कितना है 9.28%, और यहाँ से यदि कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो 830 कुल विद्युत उत्पादन वो है दोस्तों 830 मेगावाट, दादरी से कितना होता है 830 मेगावाट। आगे बात करते हैं तो हमारा एक और रह गई, कौन सी रह गई, वो रह गई सतपुड़ा, कौन सी रह गई सतपुड़ा, जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की है सतपुड़ा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यह है दोस्तों राजस्थान व मध्य प्रदेश की क्या है, दोनों की संयुक्त परियोजना है, कौन सी है सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, और इसमें बात की जाए राजस्थान की इसमें कुल, तो कुल होता है 313 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये थी दोस्तों आपकी कौन क्या तापीय परियोजनाएं, कौन सी परियोजनाएं थी तापीय परियोजनाएं। आगे बात करते हैं तापीय परियोजनाओं के बाद में, तो राजस्थान की जो रह जाती हैं प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना, कौन सी आती हैं प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना। तो परंपरागत में सबसे पहले अध्ययन किया जल विद्युत का, उसके बाद में बात की तापीय ऊर्जाओं की, अब बात करते हैं किसकी प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना।
तो नंबर तीन, प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना। प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना, इस प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना में बात की जाए तो सबसे पहले आती है रामगढ़ प्राकृतिक गैस। नंबर एक, रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना, कौन सी आती है? रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना। जो रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है दोस्तों, यह है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। और यह है राजस्थान की, यह है राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित क्या है? परियोजना थी। राजस्थान की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना तो रामगढ़ प्राकृतिक गैस परियोजना है। इस परियोजना की बात की जाए विद्युत उत्पादन की, तो दोस्तों इससे होता है 273 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन। कुल विद्युत उत्पादन होता है 273 मेगावाट। कितना होता है? 273 मेगावाट। उसके बाद में जो अगली परियोजना आती है राजस्थान में कि प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो वो आती है दोस्तों धौलपुर कार्बाइड परियोजना। कौन सी आती है? धौलपुर कार्बाइड परियोजना। यह परियोजना किस जिले में है? तो धौलपुर जिले में। और इससे विद्युत उत्पादन तो आता है दोस्तों 330 मेगावाट। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़, उसके बाद में धौलपुर कार्बाइड परियोजना किस जिले में है? धौलपुर जिले में। और विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो कितना है? 330 मेगावाट है। उसके बाद में बात करते हैं छबड़ा केशोराय पाटन की। छबड़ा जो बारा में है और केशोराय पाटन कहाँ है? बूंदी में है। छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना यह है दोस्तों बारा में, और कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता तो दोस्तों वो कितनी है? 330 मेगावाट, 330 मेगावाट है। उसके बाद में केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना, तो ये कहाँ है? बूंदी जिले में। और इससे विद्युत उत्पादन की बात की जाए, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता तो वो है दोस्तों 330 मेगावाट। छबड़ा प्राकृतिक गैस परियोजना बारा जिले में, कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 330 मेगावाट। केशोराय पाटन प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना ये कहाँ है? बूंदी में। और कुल विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो कितनी आती है? 330 मेगावाट। आगे बात करते हैं कोटा परियोजना। तो जो कोटा परियोजना है ये किस जिले में है? कोटा में। और इससे विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो वो है 330 मेगावाट। कौन सी है? कितनी है शोरी? 330 मेगावाट। यदि बात की जाए भारत की प्रथम प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना तो वो थी अंता 12। कहाँ थी? अंता 12। और इससे बात की जाए और यह दोस्तों राजस्थान व मध्य प्रदेश की क्या थी? संयुक्त परियोजना थी। राजस्थान का हिस्सा 50%, जबकि एमपी का कितना हिस्सा था? 50% था। और इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो राजस्थान को कुल विद्युत उत्पादन है वो है 87 मेगावाट। कितना मिलता है? 87 मेगावाट। तो दोस्तों ये थी आपकी तापीय परियोजनाओं के बाद में अध्ययन किया है प्राकृतिक गैस आधारित परियोजनाओं की। अब आगे बात करेंगे आणविक ऊर्जा और नेप्ता आधारित, उसके बाद में बात करेंगे गैर परंपरागत तापीय ऊर्जा स्रोत। धन्यवाद।